जी इश तेरा एक फिल्म है, ऑफ बीट फिल्म है, जो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर है. जो मेरी वाइफ का कैरेक्टर है इशिता भट्ट प्ले कर रही हैं, उसमें उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया. अब आप बोलोगे क्या सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, जो मैं अक्सर टू में काम किया था, जो एक वो डेडली यू नो लाइक सब लोग ग्रे शेड थे, एवरी पर्सन फॉर हिमसेल्फ. अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है. इसके अंदर जिस फैमिली अबाउट सॉरी अ स्टोरी अबाउट लव, फैमिली एंड कमिटमेंट. तो इसके अंदर क्या है कि वाइफ को स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कितना आप उससे प्यार करते हो कि उसको आप वापस पाओ, क्योंकि कभी कभी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ में लोग आपको पहचानते नहीं हैं, तो वो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ये चीज़ें, ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं होता है, लेकिन हमने फिल्म में दिखाया है कि ऐसे कैसे आना चाहिए, क्या क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, और कैसे आपको इनके साथ पेश आना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट लव एंड पेशेंस. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड एनीवे, लव. आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है आप? यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो आज के फंक्शन के लिए कितना एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड. जैसे आप सब मीडिया वाले जो दोस्त हैं, आप सबको कहीं कहीं से मैसेज आए मेरे को कि मुझे इनविटेशन मिला है आपकी फिल्म के लिए, कल म्यूज़िक लॉन्च है सॉरी. तो मैंने भी रिप्लाई बहुत किया कि मुझे भी इनविटेशन आज ही आया है, तो मेरे को भी कल ही पता चला कि आज म्यूज़िक लॉन्च है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये 20 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है. मैं यही चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी फिल्म लगी हो आप ज़रूर देखें, कि इसके अंदर गाने भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन भी अच्छी है, एंड आई एम श्योर एंड द फिल्म इज़ बेस्ड इन गोवा. तो एक गोवा के कैरेक्टर्स हैं ये, एंड इट्स अ डिफरेंट फिल्म बिकॉज ऐसा टॉपिक्स ज़्यादा दिखते नहीं है हिंदी फिल्मों में. तो मैं उम्मीद है कि आपको पसंद आए. किस तरह का म्यूज़िक होने वाला है, म्यूज़िक आज लॉन्च है, म्यूज़िक के बारे में बताएं. जी आज एक आई थिंक टाइटल सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, इश्क तेरा, विच इज़ संग बाय सोनू निगम. आई थिंक श्रेया घोषाल इज ऑल्सो देयर, एंड म्यूज़िक डायरेक्टर इज स्वप्निल दिग्दे, ही इज़ ऑल्सो हेयर समवेयर, आई कांट सी हिम, वो छुपे होंगे कहीं ना कहीं. एंड देन वी हैव अ फ्यू गुड सॉन्ग्स, टोटल 4 सॉन्ग्स हैं इन द फिल्म. एंड आई फाइंड, मुझे लगता है सारे गाने अच्छे हैं बिकॉज वो सिचुएशनल है, कहानी के साथ साथ चलते हैं. एक गाना है इश्क तेरा, जब वो थोड़ा खुशी का माहौल हो जाता है कि इश्क तेरा लगता है ज़रूरी. एंड उसके बाद जो गाना है वो एक आता है जीऊँ ना जीऊँ. तो कभी कभी आई थिंक आप सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे पल आते हैं जो आप बड़े सैड हो जाते हो और आप सोचते हो कि मैं जीऊँ या ना जीऊँ, अक्सर आजकल लोगों के माइंड में आता है. तो वो भी गाना है, तो देखेंगे आपको होपफुली पसंद आएगा. ओके, थैंक यू सो मच.